आवेश की अगर हम बात करें तो जो पॉइंट चार्ज होता है बिंदु आवेश, इसके कारण तीव्रता का फॉर्मूला होता है 1/4π के एप्सिलॉन नॉट के यूज करेंगे हम, कोई सी माध्यम में आवेश की बात की जा रही है, और होता है q/r A=1/4π के एप्सिलॉन नॉट q/r स्क्वायर। ये है किसी बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का मान। अगर बिंदु आवेश के कारण तीव्रता निकालनी है तो उस बिंदु पर आवेश और बिंदु की दूरी दोनों हमें स्पष्ट होना चाहिए। यहाँ पर बिंदु P पर परीक्षण आवेश तो हम Q0 मान ही लेंगे ना, हमेशा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, सदिश राशि में दिशा होती है, दिशा निश्चित करने के लिए परीक्षण आवेश को हम मानते हैं। और यह परीक्षण आवेश सदैव कैसा होता है, धनात्मक होता है। इस आवेश से दूरी कितनी है वो ज्ञात करेंगे हम, और दूसरे ऋणात्मक आवेश से कितनी दूरी है वो ज्ञात करेंगे। ये डिस्टेंस O से P तक का जो डिस्टेंस है वो हमने मान रखा है क्या, स्मॉल r, और O से लेकर इस धनात्मक आवेश तक की दूरी क्या है, L है। यानी ये डिस्टेंस L है और ये डिस्टेंस r है, तो ये एक्चुअल में 90 के सामने की भुजा कर्ण है, और जो कर्ण होता है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर। तो इस पॉइंट का नाम AB लिख लिया मैंने, और ये बिंदु हो गया P। तो ये डिस्टेंस AP कितना आएगा, कर्ण का मान, और कर्ण होता आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी r² प्लस कर्णी में आएगा स्क्वायर रूट होगा, बट स्क्वायर रूट के लिए क्या संकेत यूज करते हैं, 1/2। ठीक ऐसे B से P तक का डिस्टेंस क्या होगा, BP। तो ये भी सिमेट्रिक है ना, L डिस्टेंस, R डिस्टेंस, देन वी हैव अ BP आ जा r² प्लस l² पावर 1/2। इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब इसके बाद है कि बिंदु P पर तीव्रताओं के दिशाएं क्या होनी, क्या दिशा होगी। सो ऐसे में मान लेते हैं ये डायरेक्शन क्या है, थीटा। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ ज्योमेट्री ये डायरेक्शन भी क्या होगा, थीटा। दोनों कोण बराबर होने चाहिए क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इनके बीच का कोण भी बराबर होगा। ये जो निगेटिव चार्ज है, ऋण आवेश आप देख रहे हो, इस ऋण आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर को होगी, ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऋण आवेश की ओर होगी। कैसे हमें ज्ञात हुआ, परीक्षण आवेश के द्वारा। ये पॉजिटिव है और ये, तो इन दोनों के बीच में बल होगा आकर्षण का, और ये पॉजिटिव चार्ज छोटा होता है परीक्षण आवेश, और ये ऋण आवेश बड़ा है। जिस छोटे आवेश को ये बड़ा आवेश अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋण आवेश के लिए इस डायरेक्शन में होगी। नाम लिख देते हैं E1। E1 किसके कारण है, निगेटिव चार्ज के लिए। नेक्स्ट है ये जो पॉजिटिव चार्ज आप देख पा रहे हो, ये पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो डायरेक्शन इधर को मिलेगा ऐसे, आर यस। और ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो धन आवेश के लिए है, मान लिया E2 है, ये पॉजिटिव का है और ये नेगेटिव का है, दोनों में कोई डाउट नहीं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन अर्थात क्षैतिज रेखा हम यहाँ से ड्रा करें ऐसे। ये जो क्षैतिज रेखा यहाँ खींची गई है, ये इस आधार रेखा की क्या है, अर्थात द्विध्रुव की जो अक्ष है उस द्विध्रुव की अक्ष के क्या है, समांतर। तो अगर ये कोण थीटा है तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सिमेट्री, अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी क्या होना चाहिए, थीटा ही होगा। अब यहाँ पर आप देखें तो जो वेक्टर ई है E2 ना हॉरिजॉन्टल है और ना ही ये वर्टिकल है, ये तो वर्टिकल है ना, तो ना E2 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना ही E2 वर्टिकल डायरेक्शन में है, इन दोनों के बीच में कोई दूसरी स्थिति है जिसमें E2 है। सो ऐसी स्थिति में E2 के दो घटक बन जाएंगे, E2 का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा E2 cos थीटा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा E2 sin थीटा। कोई डाउट,
इसके बाद ये जो E1 आप देख रहे हो, इस E1 के लिए भी तो ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ना वर्टिकल डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में कोई अदर डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन क्या होगा? थीटा। अब आप पूछोगे ये कैसे हुआ? एकांतर कोण है, देखो ये वाला एंगल और ये एंगल ऐसे जेड शेप में नहीं बना हुआ है ऐसे, तो ये कोण सदैव इस कोण के क्या होता है, इसे एकांतर कोण कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऐसे 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 बना हुआ, तो ये कोण इसके क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अब इस E1 का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा E1 cos थीटा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा E1 sin थीटा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। दोनों स्पष्ट है? इन घटकों में से जो ये उर्ध घटक आप देख रहे हो E2 sin थीटा और E1 sin थीटा, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं एक दूसरे के, और परिमाण में बराबर भी हैं। कैसे बराबर हैं? देखो अगर मैं E1 की बात करूं, E1 तो E1 बराबर फॉर्मूला क्या होगा, 1/4πK₀ एंड इनटू क्यू, तो E1 के लिए भी चार्ज की वैल्यू क्या है, क्यू, और जो डिस्टेंस है वो बी से पी तक का ही तो है, और डिस्टेंस BP क्या है, R² + L² और इसका हमें यहाँ क्या करना है, स्क्वायर करना है ना, तो जो BP है वही R है और इसका स्क्वायर करोगे तो सिर्फ बचेगा R² + L² ये जो 1/2 दिख रही है करड़ी हट जाएगी, तो यहाँ तो सिर्फ यही मिलेगा। ऐसे E2 की वैल्यू क्या आएगी, 1/4πK₀ और इसके लिए चार्ज पॉजिटिव क्यों है, आपको बताया गया है कि धन या ऋण आवेश का संबंध दिशा से होता है परिमाण से नहीं होता सदिशों के लिए, इसलिए ये मैं परिमाण लिख रहा हूँ, इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव शब्द का यानी चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। Q2 और इसका डिस्टेंस क्या है E2 के लिए, भाई चार्ज से बिंदु की दूरी क्या है AP और AP की वैल्यू क्या है R² + L² ⁻¹², तो इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो ये 1/2 हट जाएगा, R² + L² ही तो आएगा। सो इस तरीके से BP AP ये दोनों वैल्यू क्या है, R² + L² ⁻¹² है, और अगर इनका स्क्वायर करोगे तो ये ⁻²² क्या होगा, कट जाएगा, सिर्फ R² + L² मिलेगा। अब यहाँ अगर आप ध्यान दें तो E1 और E2 दोनों परिमाण में क्या है, बराबर, से दिशा में ही तो भेद है। सो ऐसे में जो E2 sin थीटा देख रहे हो E1 sin थीटा, ये दोनों बराबर और विपरीत है, इसलिए इनका परिणामी 0 हो जाएगा। तो बिंदु P पर ऊर्ध घटक का परिणामी, ऊर्ध घटकों का परिणामी, जब ऊर्ध घटकों का परिणामी आप लिखोगे तो लिखोगे E1 sin थीटा -E1 sin E2 sin थीटा, यही तो लिखेंगे ना, दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत है इसलिए इनका परिणामी इनके अंतर के बराबर है। बट सौभाग्य से E1 और E2 आपस में क्या है, बराबर है। अब अगर E1 और E2 बराबर है तो ये राशियां बराबर हो जाएंगी, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी E - E एंड साइन ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू 0, अर्थात इस बिंदु P पर ऊर्ध घटकों का परिणामी 0 होगा, यानी ये ऊर्ध घटक वैद्युत बल आरोपित करेंगे पर उन बलों का परिमाण आपस में बराबर और विपरीत होगा, इस कारण ये आवेश के स्थान में कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, ये संतुलन की अवस्था होगी किसके लिए, ऊर्ध के लिए। अब क्षैतिज घटकों की बात करें, क्षैतिज घटकों का परिणामी, तो जो क्षैतिज से वास्तव में आपको परिणामी मिलेगा भी, क्षैतिज घटक में देखो एक E2 cos थीटा और एक E1 cos थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, एक ही दिशा में, इसलिए परिणामी इनके योगफल के बराबर हो जाएगा, दैट इज E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 E2 बराबर है तो इन्हें आप कॉमन भी ले सकते हो, बट E1 प्लस E2
और कास को अलग कर देते हैं। ईवन की जगह क्या लिखोगे आप? ईवन की जगह ये लिखना है 1/4πε₀q बटे दिस। ई टू की जगह क्या लिखना है? 1/4πε₀q बाई दिस। क्या ईवन ई टू बराबर नहीं दिख रहे हैं यहाँ? तो इन दोनों को अगर हम यहाँ जोड़ेंगे तो सीधा सीधा 2q ना लिख दें, टाइम बच जाएगा। 1/4πε₀ एंड q जुड़ के 2q/r² प्लस इंटू कॉस ऑफ इज इक्वल टू 1/4πε₀ इंटू q/r² प्लस l² इंटू कॉस ऑफ थीटा लिखा हुआ है। इस कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ चित्र से ज्ञात करेंगे। यस टू है, टू को यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, बट कॉस थीटा भी है। तो कॉस थीटा की वैल्यू इस फिगर से आप देखिए, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। यहाँ थीटा के सामने की भुजा लंब, 90 के सामने कर्ण, और जो बची भुजा वो, तो आधार क्या है? ओ बी, और कर्ण क्या है? बी पी। ओ बी की वैल्यू क्या है? एल। और बी पी की वैल्यू क्या है? r² + l² / 1/2। पर ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, सो वी हैव l/r² + l² / 1/2। मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/4πε₀2q और 2l एक साथ कर दिया जाए, बटे यहाँ पावर नथिंग बट 1 है, 1 पावर और 1/2 पावर दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 1 में 1/2 ऐड करोगे तो 3/2 हो जाएगा, दैट इज r² + l² / 3/2। बट इसमें क्या है, जो q(2l) लिखा हुआ है इसको रिमूव करके क्या लिख सकते हैं? द मोमेंट ऑफ टॉर्क, यानी द्विध्रुव का आघूर्ण, तो द्विध्रुव का आघूर्ण p हो जाएगा। सो वी हैव e एज अ 1/4πε₀ इंटू p/r² + l² / 3/2। ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बट अगर ऐसा हो जाए कि जो r की वैल्यू है वो मच 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 ग्रेटर देन, और होगा भी, क्योंकि HCl के लिए H और Cl के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना वो बहुत कम होता है, सो ऐसे में अगर कोई क्वांटिटी छोटी है तो उसका वर्ग और भी अधिक, तो मतलब जीरो ही कर देते हैं। सो E की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε₀ इंटू p/r² की ओर बचेगा l² तो जीरो हो गया, सो जाएगा r² एंड देन power 3/2, तो 2 and 2 विल बी रिमूव्ड आउट। सो वी हैव E एज अ 1/4πε₀ इंटू p/r, यही अभीष्ट व्यंजक है। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। अब देखो यहाँ से कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनते हैं, वो विकल्पीय कुछ प्रश्न बनता है। देखो कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं बता देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। इसमें से ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन बनता है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव का, पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनता है यहाँ से कि किसी द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय या निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर करती है। चार ऑप्शन दिया रहेगा ऐसे, पहला ऑप्शन दिया रहेगा E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, दूसरा दिया रहेगा E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² तीसरा 1/r और चौथा E 1/r⁴। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो किसी द्विध्रुव की अक्षीय या निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इन चारों में से किस केस पर निर्भर करता है? तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³ किसके लिए? डाइपोल के लिए। अगर डाइपोल ना होता, नॉर्मल चार्ज होता ना, पॉइंट चार्ज, तो 1/r² यूज़ करते। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है बहुविकल्पीय प्रश्न कि जो ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है द्विध्रुव की अक्षीय अवस्था में,
या निरक्षीय अवस्था में। तो अक्षीय का तो बता चुके हैं आपको दिशा क्या होती है, निरक्षीय में इसमें पूछता है कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी किधर को होगी, जो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है ना डाइपोल के कारण, इसका डायरेक्शन क्या है। तो देखो जो परिणामी मिला है वो इन्हीं दोनों से तो मिला है, तो डायरेक्शन भी तो यही होगा। तो परिणामी की दिशा क्या है, द्विध्रुव की अक्ष के समांतर पॉजिटिव से निगेटिव चार्ज की ओर। तो ई यानी परिणामी की दिशा क्या होती है, द्विध्रुव की अक्ष के समांतर धन से ऋण आवेश की ओर, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। ये दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनते हैं, इन्हें ध्यान में रखिएगा, कोई डाउट तो नहीं रहा है, नोट किया जाए इतना।